हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का जो टॉपिक है बियरिंग के बारे में, अगर ये वीडियो देखने के बाद आपका आपको बियरिंग के बारे में ए टू जेड लगभग पता चल जाएगा, मतलब कैसे टाइप होता है, क्या होता है। ठीक है, सबसे सबसे पहले क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। इसमें तीन क्लासिफिकेशन है। एक तो जो है ओल्डर मेटल बियरिंग हो गया, ठीक है, उसके बाद एलास्टोमेरिक, उसके बाद एच एल एम आर। ठीक है, एच एल एम आर क्या होता है, जो हाई लोड मल्टी रोटेशनल होता है, जैसे कि पार्ट पी टी एफ हो गया, डिस्क हो गया, स्पेरिकल हो गया। ठीक है, एलास्टोमेरिक सबको पता है जो रबर से जो होता है, और जो ओल्डर बियरिंग में होता है एक रॉकर बियरिंग और रोलर बियरिंग। ठीक है, अभी इन सब में देख लेते हैं एक बार। एलास्टोमेरिक में प्लेन और रिइंफोर्स्ड होता है। अभी इसका एक एक टाइप एक बार देख लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसके फंक्शन के हिसाब से भी जैसे होता है कि जैसे फंक्शनल करता है, क्या क्या फंक्शन इसमें करता है, बियरिंग जो मेनली किस लिए यूज करते हैं, और जो बियरिंग जो मोस्ट क्रिटिकल थिंग भी होता है, जैसे कि आपका एक स्ट्रक्चर का जो लोड मतलब ट्रांसफर जो करेगा वो बियरिंग ही करेगा। ठीक है, मेनली इसमें जो क्या क्या करेगा, ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लोड को ट्रांसफर करेगा और मूवमेंट्स को अकोमोडेट करेगा, रोटेशन को भी करेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर स्पेशल फंक्शन कुछ है, जैसे सीज्मिक आइसोलेशन है और वर्टिकल अपलिफ्ट है। ठीक है, ये सब है। इसके अलावा जो ये क्लासिफिकेशन है, जो फिक्स्ड बियरिंग कहते हैं, फ्री बियरिंग, गाइडेड बियरिंग, ये सब इससे कहते हैं कि जैसे जो रोटेशन होता है, ठीक है, रोटेशन अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स को ये करता है तो वो फिक्स्ड बियरिंग है। जैसे मूवमेंट ऑल डायरेक्शन है वो है फ्री बियरिंग है। ठीक है, गाइडेड होता है, गाइडेड मूवमेंट और एक्स डायरेक्शन में जैसे होता है, इस टाइप की है। ठीक है, इसके बाद ये देख लेते हैं। जैसे बियरिंग दो चीज का होता है, अगर सबसे छोटा भी होता है, जो छोटा छोटा स्मॉल स्मॉल जो पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस में लगता है। ठीक है, और उसके अलावा बहुत जो मैसिव भी होता है, जैसे बड़ा वाला भी होता है, जैसे आपका बहुत ज़्यादा जो बड़ा बड़ा ब्रिजेस जो बनती है वहाँ पे जो लगता है वो बहुत बड़ा मेटल्स होता है, तो मतलब जो हैंडल करने के लिए भी आपका क्रेन्स की जो जरूरत पड़ता है, इस टाइप के होते हैं। सो जो सबसे पहले जो यूज करते थे वो रॉकर और रोलर बियरिंग है, वो मेनली जो स्टील के बियरिंग्स होते थे, स्टील ही उसमें यूज करते थे मेनली। और जो रॉकर बियरिंग है वो स्पेरिकल स्टील एलिमेंट का होता है, और रोलर बियरिंग है वो सिलेंड्रिकल जो स्टील रोलर है, जैसे व्हील टाइप उस टाइप का होता है। और ये दोनों मिला के भी कंबाइंड भी बनाते हैं, और ये मेनली रॉकर बियरिंग जगह यूज होता है जो हाई रोटेशन के लिए, जहाँ पे रोटेशन ज़्यादा ये करना है, रोटेशन को लेना है उसके लिए है, और रोलर बियरिंग जो है मूवमेंट के लिए। और इसके कुछ लिमिटेशंस भी है, जैसे इसमें क्या क्या लिमिटेशंस है, जैसे दोनों में स्टील यूज होता है ऊपर और नीचे, तो इसका फ्रिक्शन भी जैसे ज़्यादा रहता है। और उसके अलावा देखेंगे इसका जो करोशन भी हो सकता है, और ये प्लेस करने की बहुत जो लार्ज स्पेस चाहिए, ज़्यादा स्पेस चाहिए, और जो कंक्रीट स्ट्रक्चर भी होना चाहिए वो हैवी होना चाहिए, तब जाके ये प्लेस भी हम कर सकते हैं। और इसमें जो इसका जो ज़्यादा तो मैसिव कंक्रीट वाला स्ट्रक्चर भी होना चाहिए इसके लिए। इलास्टोमेरिक बियरिंग है, इसमें मेनली जो इलास्टोमेरिक बियरिंग में यूज होता है रबर है, जैसे नेचुरल रबर और क्लोरोपिनिल रबर दोनों यूज होता है, दोनों यूज कर सकते हैं। और इसका जो लोड है ये आपका 200 किलोन्यूटन से 2000 किलोन्यूटन तक जो वर्टिकल लोड ले सकता है, और इसमें बीच में अगर रीइन्फोर्समेंट भी, ये दो होता है, एक प्लेन होता है उसमें सिर्फ रबर ही रहता है, और दूसरे में एक रीइन्फोर्समेंट भी रह सकता है। इलास्टोमेरिक बियरिंग के जो एडवांटेजेस है वो जैसे कि साइज में बहुत कॉम्पैक्ट है, मतलब बहुत छोटा रहेगा और इजी टू मूव सब कुछ रहेंगे, और इसका कास्ट भी अगर कंपेयर टू मेटल बियरिंग्स जो है वो कास्ट भी लो कास्ट है, और इसमें मेंटेनेंस भी बहुत लो है, और डिजाइन लाइफ है इसकी, लॉन्ग डिजाइन लाइफ भी है, तो ये सब एडवांटेजेस है। जो एच एल एम आर बियरिंग है वो आपका जैसे उसमें क्या क्या आता है, एक तो पार्ट बियरिंग आता है और डिस्क बियरिंग और स्पेरिकल बियरिंग। पार्ट बियरिंग जो है वो यूरोप में हुआ था, और ज़्यादातर यूरोप और इंडिया में यूज हो रहा है। और उसके अलावा जो आपके डिस्क बियरिंग है वो है यूएस में डेवलप हुआ था, और यूएस में ज़्यादातर यूज हो रहा है। और जो स्पेरिकल बियरिंग है वो भी यूरोप में ही हुआ था, और यूरोप और इंडिया से भी लास्ट डिकेड से यूज हो रहा है। अब जैसे पार्ट बियरिंग है, इसमें देख लेते हैं क्या है, इसमें क्या क्या जैसे रहता है। सबसे पहले जो एक स्लेट प्लेट रहता है ऊपर का, उसके बाद पी टी एफ ही रहता है, उसके बाद जो पिस्टन रहता है, उसके बाद इलास्टोमर, उसके बाद जो नीचे का जो पार्ट रहता है जो बॉटम प्लेट, ये सब रहता है। जो फंक्शन यही है कि जो जैसे ये कंप्रेशन में एक बार रोटेशन भी हो जाता है और मूवमेंट भी हो जाता है, ये सब है। और ये है 2000 किलोन्यूटन से 20000 किलोन्यूटन तक वर्टिकल लोड के लिए ये सूटेबल है। इसके बाद जो है नेक्स्ट देखते हैं, ये तो पार्ट पीटीएफ ही हो गया।
जो पार्ट पीडीएफ के आपको इसको वो दिखा सकते हैं जो एक्चुअल में जहाँ पे जो बन रहा है वो, जैसे स्लाइडिंग प्लेट है, गाइड है और पिस्टन है, इन सबको जो दिखा रहे हैं। उसके बाद डिस्क बियरिंग है। डिस्क बियरिंग में क्या क्या रहेगा, एक स्लाइडिंग प्लेट रहेगा, फिर उसके बाद स्लाइडिंग डिस्क और सीयर पिन और पीयू डिस्क, ये चारों रहेंगे। और बाकी इसमें लोड का लोडवेज देखा जाए तो सेम जैसे पार्ट पीडीएफ ही जैसे ही है, 2000 किलोन्यूटन से 20000 किलोन्यूटन तक आपको वर्टिकल लोड ले लेगा। और रोटेशन के लिए 0.04 रेडियंस है और मूवमेंट के लिए कोई लिमिट नहीं। स्फेरिकल बियरिंग है, इसमें रोटेशन के लिए कोई कंप्रेशन एलिमेंट्स नहीं रहता है, और लेकिन इसमें जो लोड है वो 4000 से 80000 किलोन्यूटन तक वर्टिकल लोड ले सकते हैं। और रोटेशन के लिए 0.1 रेडियंस है और ये बेस्ट है, जैसे लोड और वर्टिकल लोड बहुत ज़्यादा है तो स्फेरिकल बियरिंग बेस्ट है।